नहीं बेकार, तुम उससे कोई बात नहीं करोगे। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? अगर वाकई उसकी शादी कहीं और हो गई तो फिर क्या होगा? मैंने तुझे तेरी बेटी की मिलने की खबर सुनाई है और तुझे कोई खुशी नहीं हुई? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है एनी ने सब कुछ सुन लिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। देखो बेटा, कुदरत भी यही चाहती है कि एनी सब कुछ जान ले। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए शॉर्ट शर्ट्स बनवा दूँ। नहीं अम्मी, मुझे नहीं पसंद। बेटा फैशन में मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप काशिफ? मैं ठीक हूँ। अम्मी और सोबिया कैसी हैं? वो भी ठीक है। अभी हम आप ही की बातें कर रहे थे। मैंने बस यही याद करवा था, सोबिया तैयार रहेगी, शाम को से लेके जाना। जी वो याद है मुझे। अदनान को जरूर लेके आना। मैं अदनान को बता दूंगी। ठीक है, मैं रखता हूँ, रास्ते में हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था काशिफ? याद दिला रहे थे कि अदनान ने आज सोबिया को शॉपिंग पर लेकर जाना है। पता नहीं ये लड़का अब मानता भी है कि नहीं। अरे अच्छा हुआ अदनान तुम आ गए। तुम्हें याद है ना आज तुमने सोबिया को शॉपिंग पे लेकर जाना है। मैं नहीं जा सकता मैं, एग्जाम्स हो रहे हैं मेरे, यूनिवर्सिटी से देर हो रही है, मैं अभी जा रहा हूँ। अम्मी काशिफ को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। भाई साहब एक फोन करना है। हाँ जी, ये लीजिए, जरा जल्दी से मिला दीजिए। शुक्रिया बेटा। हेलो जी, मैं वकार बोल रहा हूँ। ताहिरा? ओ आंटी, कैसी हैं आप? जी जी एनी भी बिल्कुल ठीक है। मैं बात करवाता हूँ, तुम्हारी अम्मी का फोन। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? घर में सब ठीक है ना? मेरे पास वक्त बहुत कम है, तेरी आवाज सुन ली ना, करार आ गया मुझे। तुझे सिर्फ ये बताना था कि अकबर भाई को पता चल गया कि तू कहाँ पे है। वो कहीं वहां ना पहुंच जाए, तू अपना ख्याल रखना। हम मेरी फिक्र ना करें, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, महफूज हूँ, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, मैं दोबारा फोन करूंगी। क्या हुआ, क्या कह रही थी आंटी? कह रही थी अकबर को पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ। ये कैसे हो सकता है? तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन अम्मी ने यही बताने के लिए फोन किया था कि उन लोगों को पता चल गया मैं कहाँ हूँ, और कहीं वो लोग यहाँ ना पहुंच जाए। अम्मी बहुत फिक्रमंद हो रही थी। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी कोई चाल चली है ताकि तुम उनकी बातों में आकर कोई कदम उठाओ और वो अपना काम दिखा दें। अंकल आप उसको नहीं जानते, उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हो सकता है उसने कहीं से पता निकलवा लिया हो। पापा कहीं आपके वो डीएसपी दोस्त के जरिए बात बाहर तो नहीं निकल गई? नहीं बेटा, वो मेरा पुराना मिलने वाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता। पापा लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसके किसी सबॉर्डिनेट ने अकबर को ये बात बता दी। ऐसा हो सकता है बेटा, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि ये उनकी कोई चाल है। सोचो अगर उन्हें पता चल गया था तो वो एनी की अम्मी को क्यों बताते, यहाँ क्यों नहीं आ गए? पापा आपकी बात पॉइंट है,
यानी आंटी कहाँ से फोन कर रही थी? ये तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन हमारे घर में फोन नहीं है। इसका मतलब किसी पीसीओ से कर रही होंगी। हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रहे हो? ये इसलिए पूछ रहा है बेटा कि उनकी बातें कोई और ना सुन रहा हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अम्मी बहुत आहिस्ता आवाज में बात कर रही थी। मुझे अम्मी फिक्र हो रही है। तुम फिक्र ना करो, आंटी बहुत समझदार है, उन्हें कुछ नहीं होगा। अम्मी भी ना, अरे मुझे फोन नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से किसी मुसीबत में ना फंस जाए। नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ है, तुम पर खतरा मंडला रहा हो तो वो कैसे चैन से बैठ सकती है? यानी मैं आज ही जाकर आंटी से मिलाता हूँ। टेंशन किस बात की? नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जाओगे। उन लोगों को अगर शक हो गया तो हो सकता है कि हम उन्हीं के बिछाए हुए जाल में फंस जाएं। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या है? कार के जगरे बिगड़ रहा है और सरकार इसने अपनी जात दिखा दी है। क्या किया है इसने? सरकार अब बिल्कुल सर कर रही है। क्या क्या बात है? सरकार आपने कहा था ना कि इसको पता है नहीं कहा है, ये इतनी मिश्री है। देखा, अकबर खान तो दिलों के हाल पर लेता है। सरकार आज मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है, नहीं किसा फोन में बात करते हुए। किधर है फोन नंबर? और मैंने जैसे ही पकड़ा वो फोन की पर्ची है, खा गई खा गई। बशीरे, ये तो तेरे से ज्यादा समझदार है। सरकार आप इसकी तारीफ कर रहे हैं, मेरा दिल करता है मैं इसको कत्ल कर दूं। हाँ बीबी बोल, सफाई में कुछ है तेरे पास कहने को? मैं कुछ नहीं जानती, ये झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है ये मेरे पे। बकवास करती है, तुझे पता नहीं किस किस्म की बात कर रही है? ओए बशीर, बशीर कट, मैं कर रहा हूं ना बात, क्यों तशद्दद कर रहा है क्यों? हाँ बता, किधर है नी, किधर है उसका फोन नंबर? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बशीरे ओ भाई, ये तो तेरा ही केस है, हैं? ऐसे पूछ पड़ताल करके रख। चले अदनान को बुलाएं, शॉपिंग के लिए चलते हैं। क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो फिर? मैंने अदनान को सुबह बताया था, वो यूनिवर्सिटी चला गया, एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उसकी तैयारी कर रहा है, हो सकता है इसीलिए भूल गया हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसे बहानों को। आप गलत समझ रही हैं। मैं सब समझती हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अम्मी आप नाराज ना हो। कैसे नाराज ना हो? अगर अदनान ने नहीं जाना था तो पहले बता देता, इतने दिल से तैयार होकर आई थी सोबिया, और अदनान को जरा भी ख्याल नहीं। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, हम किसी और दिन चले चलेंगे। तो चले छोड़े ना, मैं लेकर चलती हूँ अपनी बहू को, मेरे साथ चलो शॉपिंग के लिए। अदनान, अदनान मेरी बात तो सुन। मैं नहीं सुनना चाहता। लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देना होंगे अदनान। क्यों? क्योंकि मैं एनी को रोता हुआ नहीं देख सकता। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम उसके साथ? ये मेरा और एनी का जाती मामला है। मैं जानता हूँ ये तुम दोनों का जाती मामला है और इसमें मेरा बोलना नहीं बनता, लेकिन तुम्हें एनी का जरा भी ख्याल नहीं। वो घर से बेघर हो गई है, तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो उसे? मैं मजबूर हूँ।
कैसी मजबूरी अदनान, तुम तो शादी कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। तुमने एनी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाया, तुमने फ्लर्ट किया। मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में ऐसे ही सोच रहे होगे, बल्कि तुम क्या एनी भी सोच रही होगी कि मैं बेवफा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर क्या बात, क्या परेशानी? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम क्या, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभार किसी को बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मुझे बताओ क्या बात है। वकार, मैं ये शादी मजबूरन कर रहा हूँ। अगर मैं ये शादी नहीं करूँगा तो मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। एक तरफ मेरी बहन है और एक तरफ एनी। बताओ मैं क्या करूँ? एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो। अगर तुम इस तरह शादी करोगे तो क्या तुम उस लड़की को खुश रख पाओगे? नहीं। तो फिर क्या तुम्हारी बहन का घर बर्बाद नहीं होगा? अदनान, मेरी बात मानो और अपने घर वालों को सब बता दो। नहीं वकार, मैं इतना मतलब ही नहीं हूं कि अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी बहन का घर बर्बाद कर दूं। मेरी एक बात मानोगे? क्या? तुम एक बार एनी से मिल क्यों नहीं लेते? मैं उसे फेस नहीं कर सकता यार। अगर तुम उससे ना मिले तो वो कहीं खुद को कुछ करना ले। तुम एक बार उससे मिल लो, मेरे कहने पर, प्लीज। ओके, गुड। मैं शाम को फोन पे तुम्हें बताऊंगा कब और कहां मिलना है। मैं तुझे कह रहा हूँ सच बता, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। मैं धमकी नहीं दे रहा। तू ऐसे नहीं मारेगी, बता। ओए बाजा, सरकार मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाजा सरकार, ये मुझसे झूठ बोलती रही है, मैं इसकी बातों पे यकीन करता रहा, लेकिन आज मैं इसे सच उगलवा के रहूंगा। ओए तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाने दे इसको। सरकार आप इसको जानते ही नहीं है। ओए चुप कर, चल बीबी जा तू जा सरकार की। ओए जाने दे जा। सरकार आपने ये क्या किया? तू क्या करता है? मर जाने देता उसको? लेकिन सरकार वो माँ है, माँ चिड़ी के बच्चे पर भी अगर सांप हमला करे ना तो मरने मारने पर आ जाती है, बच्चे को खाने नहीं देती, समझा? वो तो माँ है, वो तुझे कैसे बताएगी एनी का पता? तो फिर कैसे पता चलेगा हमें? उसका सिर्फ एक तरीका है। वो क्या? उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आ, उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला, जब वो तुझ पे इतबार करेगी तो बता देगी। ओ आखिर तू एनी का बाप भी तो है, उसकी बेटी का। ऐसे क्या देख रहा है? सरकार आपकी अकल को दाद दे रहा हूँ, आप कितनी दूर की कौड़ी लेकर आए। मुझे दाद ना दे, जा। जी सरकार, तू घर छोड़ के आ, चल। सरकार, ओए बात सुन, साथ चलता हूँ मैं तेरे। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? बस नॉर्मल। और तुम्हारा? मेरा दिन कैसा होगा? मुझे लगता है जैसे किसी कैद में। दिल चाहता है खुली हवा में सांस लूँ, लेकिन। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी चलो मेरे साथ। मैं? हाँ तुम। यहाँ और कोई है तुम्हारे अलावा? लेकिन वकार, मैं कैसे जा सकती हूँ अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। क्यों? सुलेमानी टोपी पहना कर ले जाओगे मुझे? हाँ ऐसी एक चीज है मेरे पास, बल्कि तुम रुको मैं भी आया।
ये लो। ये क्या है? चादर है और क्या। अब इसे ओढ़ो और मुंह पे नकाब कर लो। लेकिन वकार, फिर भी किसी ने देख लिया तो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी तो फिक्र है मुझे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। और तुम अपनी उम्र से बड़ी बातें करना छोड़ दो। हम बाहर घूमने जा रहे हैं, महाज पे नहीं। और अंकल, उन्हें तो बता दो, वो परेशान हो जाएंगे। वो नमाज पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें मैसेज कर दूंगा। अब बातें खत्म हो गई तो हम चलें प्लीज। सर आपका ऑर्डर? नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। अदनान तुमसे बात करना चाहता था। तुम नहीं बैठोगे? नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। और मैं? मैं यहीं पे पास वाली शॉप में हूँ, उसके बाद गाड़ी में तुम्हारा वेट करूँगा, फ्री होके आ जाना। मगर बाय। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अभी तक नाराज हो मुझसे? हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ बाकी नहीं है कि मुझे तुमसे नाराज होने का हक हो। नहीं, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? और मेरी मजबूरी? हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ बाकी नहीं है कि मुझे तुमसे नाराज होने का हक हो। नहीं, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? और मेरी मजबूरी? अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मेरी बहन का घर टूट जाएगा। और मेरा दिल टूटे तो? अदनान, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगी। जिंदगी मुझ पर तंग करती गई, लेकिन ये मेरा मसला। सुना था जब मुश्किलें आती हैं तो साया भी साथ छोड़ जाता है। आज देख भी ले। ऐसा क्यों बोल रही है नी? तो और क्या बोल, तुम्हें तो कहा था कि तुम सारी जिंदगी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, पूरी दुनिया के खिलाफ चले जाओगे, लेकिन मुझे नहीं छोड़ोगे। तुमसे मोहब्बत करता हूँ एनी, मैं अपने किसी वादे से नहीं मुकरा, पर क्या करूं यार, ये शादी करना मेरी मजबूरी है। तो ठीक है, जाओ। तुम जाओ, अपने सर पे सहरा सजा। अदनान आओ। सोफिया, तुम यहाँ? हाँ, कुछ फ्रेंड्स के साथ आई थी यहाँ पर। ये कौन है? ये मेरे दोस्त की बहन है। आपका दोस्त नजर नहीं आ रहा। हाँ, मुजरा साथ शॉप तक है, अभी आ रहा है। आप कहाँ जा रही है? मैं चलना चाहिए। क्या हुआ? नहीं दे ली तुमने कुर्बानी, क्या समझते हो अपने आप को? क्या कह रही हो तुम? क्या सोच के लाए थे मुझे यहाँ कि मेरी और अदनान की शादी करवा दोगे? मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? कुर्बानी देके अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हो, और वो एक अदनान है। मोहब्बत के दावे तो करते है, लेकिन शादी नहीं कर सकता मुझसे। तुम दोनों के बीच में खिलौना बन के रह गई हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ? मेरी फीलिंग्स को हर्ट करने का हक क्या तुम लोगों को? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया था, बल्कि इसलिए लाया था कि तुम्हारे और अदनान के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो सके। मान की मंगेतर आई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या,
उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरा तारुफ करा सके, उसे मिलवा सके जिसे मोहब्बत के दावे करता है वो। यानी आई एम रियली सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। सॉरी क्यों कह रहे हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, तो मेरा भला ही सोच रहे हो। नहीं, मुझे तुम्हें यहाँ लाने से पहले पूछ लेना चाहिए था। अच्छा इन बातों को छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना कहाँ से खिलाओगे? तुम मेरे साथ खाना खाओगे? क्यों, पैसे नहीं है तुम्हारे पास? वो तो है। तो फिर चलो। चलो ये सब अकबर और तुम्हारे बाप बशीर का झूठ था, वो तुम्हारी वालदा से कुछ और उगलवाना चाहते थे। अम्मी आप भैया को समझाएं। काशिफ, सोबिया सही कह रही है, अब वो हमारे घर का दामाद है, जरा सोच समझ के। अदनान तुम चाहते क्या हो? पहले तुमने खुद सोबिया से शादी के लिए हाँ किया।